आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। जहां एक और फिल्म लफंगे नवाब सुर्खियां बटोर रही है, वहीं फिल्म निर्माता अर्पित अवस्थी पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए। ये उनकी पत्नी सुनीता है, जो दो बच्चियों के साथ जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली में न्याय के लिए दर दर भटक रही है। क्या नाम आपका है? सुनीता। क्या आपको परेशानी है? मेरे हस्बैंड दूसरी औरत ले आए। क्या नाम उनका है? नाम उनका भीमसेन नाम है, उसके बाद वो अर्पित अवस्थी लिखते हैं, लफंगे नवाब पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, तो खुद भी लफंगे हैं क्या? हाँ, खुद भी हैं, दूसरे गलत काम करते हैं। अच्छा, दो का काम करते हैं। अच्छा, दूसरी शादी कर ली? दूसरी औरत लिए, शादी के लिए। अच्छा, और आपको कोई खर्च वगैरह नहीं दे रहे? खर्चा देते हैं, कुछ देते हैं। एक लड़का रहा, वो भी हमारा खत्म हो गया, दवा भी नहीं कराया। अच्छा, अपने भाई के घर में रहते हैं। आप अपने भाई के यहाँ रहते हैं? हाँ। जी, आपके पिता हैं। ये बताइए कि आपका दामाद आपकी बेटी को ले नहीं जाता है? नहीं सर। क्या करता है वो? साहब दो नंबर का काम करता है, लड़कियों को बेच बेच करके खर्चा चलाता है। किसी से कहता है तुमको हीरो बना देंगे, किसी से कहता है कुछ बना देंगे, और बम्बई से उसका कुछ ऐसा संबंध है जो यहाँ का जाता है वो लखनऊ से घूम के नहीं आता है, और जो उसके साथ रहे हैं वो आज सड़क के ऊपर जूता चप्पल बेच रहे हैं। सबसे रुपये ले लिए 20 लाख रुपया, तो सिधौली कोतवाली में तय हुआ था कि 20 लाख रुपया सिधौली का चाहता है वो। अच्छा, खेत भी अपना बेच लिया, हमने उसको प्लाट खरीदाए थे वो भी उसने बेच लिया, 1 लाख रुपया हमारे लड़के से ले लिया कि हम चलो दवा समझ करके उसको दे दिए, वो भी सर वापस अभी तक नहीं किए हैं। कमलापुर थाने में उन्होंने सकरा था एसओ साहब के सामने कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे, एक पैसा आज तक नहीं वापस किया। तब कमलापुर की पुलिस ने और सिधौली की पुलिस ने हमारी मदद की, उसमें 406 में इनका चालान हुआ। अच्छा, अब ये बाहर हैं? अब ये बाहर हैं, जब से बाहर आए हैं तब से ये धमका रहे हैं कि आपकी लड़की या आपके लड़के को सबको मार डालेंगे, जबकि डीजीपी जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक को मैंने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई सर अभी तक तो उसमें कुछ नहीं हुई। हमारे साथ भाजपा नेत्री हैं, ये बताइए कि आपके पास ये आई हैं मदद के लिए, आप इनकी क्या कोई मदद कर सकेंगी? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने ये भी लागू किया, अगर हिंदू अगर पहले पत्नी होते हुए दूसरी शादी करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। इतने छोटे छोटे दो हैं बच्चे, अगर इस प्रकार से कर रहा है तो मैंने इसको टाइम दिया है, मैं स्वयं इसको मुख्यमंत्री के आगे पेश करूँगी या अपने खुद ही बताया जो इसके साथ हो रहा है। महिला उत्पीड़न के लिए एक कमेटी भी गठित की है, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय विशाखा गाइडलाइन की सदस्य भी हूँ जो वुमन के लिए बनाई गई है, जहाँ तक मेरी हेल्प होगी मैं पूरी करूँगी, और ये एक एप्लीकेशन हमको मुक्त करा दें तो मैं कार्रवाई करूँगी इसके साथ में। ठीक है, अधिवक्ता सुशील शुक्ला जी हैं, ये बताइए ये महिला पीड़ित दर दर भटक रही है और इसका पति लफंगे नवाब नाम की पिक्चर बनाकर क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहा है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे लफंगे नवाब जो पिक्चर बना रहे हैं, ये इनका नाम है लभीम सिंह, मैंने इनसे भी बात किया था कि ये परिवार विघटन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, ऐसा ना करें तो कुछ नहीं, वो तो लफंगा है ही है, और उन पर विशेष तौर से कार्रवाई पुलिस करे, और जो उनके पिताजी हैं परिवार के लोगों को भी उनको इंटरफेयर करना चाहिए, इस तरह से शोषण कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। कई बार इन्होंने के द्वारा मेरे द्वारा भी पत्र व्यवहार किया गया, चिट्ठी बनाई गई शासन प्रशासन को कि इनकी सुरक्षा भी होती है, कई घर में लूट उट किया है, इनके घर में महिला के घर में जो भी जेवरात इत्यादि वो उठाया, थाना कोतवाली मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो, पुलिस अगर कार्रवाई करती तो इस तरह की घटनाएं कम हो जाए। फिल्म निर्माता भीम सिंह उर्फ अर्पित अवस्थी की पत्नी का यह भी आरोप है कि मेरे एक बच्चे की बिन इलाज के मौत हो गई, परंतु अर्पित अवस्थी ने कोई पैसा नहीं दिया।